जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, एडीओ की वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है। तो आज से हमारे चैनल पर एडीओ की क्लास प्रारंभ होने जा रहा है। साथ ही एसआई मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो डेली क्लास करते रहिएगा। साथ ही अदर एग्ज़ाम जैसे पीएससी व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं तो डेली क्लास कराया जा रहा है व्यापम का, जिसमें हर एक एग्ज़ाम में भारत का संविधान से प्रश्न पूछा जाता है। मैं ऐसे टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते जाइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही डेली क्लास करने के लिए वीडियो को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ठीक है। साथ ही वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, जितने भी बच्चे एक बार जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज का जो टॉपिक रहेगा आपका मौलिक अधिकार, यानी कि कौन से भाग में लिया गया, भाग 3। एग्ज़ाम में जितने भी टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, एग्ज़ाम में वैसे ही रिलेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें जो मौलिक अधिकार आपका अनुच्छेद 12 से 35 तक लिया गया, कौन से संविधान से और कौन से अमेरिका से लिया गया, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझते जाइएगा जो आपके टॉपिक में एग्ज़ाम में आता है, चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो चाहे व्यापम की, है ना। तो ऐसे एग्ज़ाम आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ। जो मौलिक अधिकार से तात्पर्य है कि वे अधिकार जो व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं, किसके लिए, सर्वांगीण विकास के लिए। साथ ही इन्हें राज्य या समाज द्वारा प्रदान किया जाता है, साथ ही इनके संरक्षण की व्यवस्था भी की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को वैश्विक मानवाधिकार की घोषणा की है। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि व्यापक एग्जाम में कभी भी पूछ लिया जाए कि आपका विश्व मानवाधिकार की घोषणा कब की गई है, तो आप बताएंगे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को विश्व मानवाधिकारों की घोषणा की गई है, ठीक है। और इसीलिए प्रत्येक 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व मानवाधिकार। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आप बताएंगे विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज से आपके एडियो की क्लास स्टार्ट हो चुके हैं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझाऊंगा। और ये जो एडियो का जो सिलेबस है बिल्कुल व्यापम से हटकर है, यानी कि इसमें पंचायती राज पूछा जाएगा, उसके बाद ग्रामीण विकास पूछा जाएगा, आजीविका पूछा जाएगा। ये तीनों जो चैप्टर है यानी कि तीनों सब्जेक्ट आपका बिल्कुल सिलेबस से हटकर है, ठीक है। तो बाकी आपका हिंदी रहेगा, है ना, और सामान्य अध्ययन रहेगा बस, ठीक है। ये छोटा सा सिलेबस है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़े रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात करें कि भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने हैं, 6, ठीक है। तो देखिए पहले 7 था लेकिन अब 6 है। तो सबसे पहले हम समानता का अधिकार देख लेते हैं, जो आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक लिया गया है। एग्जाम में पूछता है ये वाला टॉपिक, ठीक है। एग्ज़ाम में ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही एग्ज़ामों में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका मैं इसके जो अंतर बीच बीच में जो जितना अंतर है ना, इसका अंतर का मैं डेफिनेशन आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम समानता का अधिकार देखेंगे जो आपके 14 से 18 तक लिया गया है। देखिए जो मौलिक अधिकार आपका 12 से 35 तक लिया गया है भाग 3 में, कौन से संविधान से, अमेरिका के संविधान से, ठीक है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो मौलिक अधिकार है आपका कौन से संविधान से लिया गया है, तो आप बताएंगे अमेरिका के संविधान, भाग 3 में वर्णन है, अनुच्छेद 12 से 35 तक लिया गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समानता का अधिकार जो आपके अनुच्छेद 14 से 18 तक लिया गया है। उसी प्रकार स्वतंत्रता का अधिकार आपका 19 से 22 तक, शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है आपका 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार आपका 29 से 30, उसी प्रकार संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 32, और एक और है आपका संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपका कौन सा में है, अनुच्छेद 32,
जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32, इससे हमेशा व्यापम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो उसका डिटेल आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। बने रहिएगा वीडियो पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइएगा, नए बच्चे के लिए, ठीक है। जो लोग नए बच्चे हैं तो वीडियो को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ओके। चलिए लाइक करते हुए भी चलिएगा, है ना। हाँ, आगे देखेंगे, मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ ना। चलिए, अब जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आपका अनुच्छेद 32 में लिया गया, और यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 12 पढ़ लेते हैं, जो आपके राज्य की परिभाषा से वर्णन है, ठीक है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा से वर्णन है, जबकि अनुच्छेद 13 राज्य के मौलिक अधिकारों का न्यून, यानी न्यून का मतलब होता है अतिक्रमण करने विधियों को नहीं बनाएगा। साथ ही 44वें दो देखिए, जो मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। कौन सा अधिकार को? संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। इसी कारण इसी श्रेणी से सामान्य विधि अधिकार यानी अनुच्छेद 300 का में जोड़ा गया है, और वर्तमान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। अभी हाल ही में आपको बताया था कि टोटल 7 था, उसको हटा दिया, तो आपका कितना है वर्तमान में? 6। तो यहाँ से आपको पूरा डिटेल आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, चलिए अब ध्यान से क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपका समानता का अधिकार 14 से 18 तक लिया गया है, वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, आपका 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार, एग्जाम में पूछा गया था कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल नंबर से लिया गया था, तो आप बताएंगे 140, यानी कि आपका 14वें अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार से लिया गया था, वो भी ब्रिटेन से। और समान संरक्षण आपका अमेरिका से लिया गया था, बिल्कुल। और आर्टिकल नंबर 15 यानी कि 15वें में राज्य की जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, आयु और निवास स्थान के समक्ष भेदभाव को नहीं करेगा। कौन से अनुच्छेद में? 15 में, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब अनुच्छेद 15(3) के अंतर्गत राज्य महिलाओं, बालकों और विशेष सुविधा उपलब्ध करवा सकता है, जबकि अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता यानी कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है। हमेशा याद रखना, कभी भी पूछा जाए ये टॉपिक याद रख लेना, सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रावधान कौन सा है? अनुच्छेद 16 में, ठीक है। सरकारी नौकरी में जो आरक्षण का जो प्रावधान मिलता है आपका 16 नंबर में, इसको छोड़ दीजिएगा एक मिनट ना, ये वाला यहाँ से स्टार्ट करिएगा, जो अनुच्छेद 16(4) में, इसके अंतर्गत राज्य पिछड़े वर्ग के नागरिकों को विशेष संरक्षण प्रदान कर सकता है, ठीक है। और इसमें भूमि पुत्र का सिद्धांत भी दिया गया था, है ना। और एग्जाम में आता है अनुच्छेद 17, जो कि अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत भारतीय संसद ने अस्पृश्यता से निषेध किया गया है 1955 में, ठीक है। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये आपका अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत कौन सा आर्टिकल नंबर से लिया गया था, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 17। अरे जो अनुच्छेद 18 है आपका यह टॉपिक, ये आपके वर्तमान में समाज सेवा को जोड़ा गया है, ठीक है। वर्तमान में समाज सेवा को जोड़ा गया है, और साथ ही 18 पदों को अंत किया गया, राज्य सैनिक और शैक्षिक क्षेत्र के अलावा उपाधि प्रदान नहीं करेगा, ठीक है। अब देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जो आपके आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक लिया गया है, यानी कि 19 से 22, ठीक है, आपका स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 19 में कहता है कि 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी, कितने प्रकार की? 7 प्रकार की स्वतंत्रता, जिसमें 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, ठीक है। और साथ ही अनुच्छेद 19(1)(1) में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। और ये आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, हर एक एग्ज़ाम में आता है, और ये जो सिलेबस है आपका एडीओ का, उसमें एग्ज़ाम में पूछा गया है कि सूचना का अधिकार कहाँ से तात्पर्य है, क्या है, तो मैं बिल्कुल डिटेल बताने वाला हूँ। जो सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है आपका 12 अक्टूबर 2005 से जोड़ा गया है सूचना का अधिकार, ठीक है। कब जोड़ा गया है कमेंट करके बताइएगा,
12 अक्टूबर 2005 से। अनुच्छेद 19 के ख में बोला गया है कि शांतिपूर्वक बिना अस्त्र शस्त्र के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, क्या? बिना अस्त्र शस्त्र के सम्मेलन करने की सुरक्षा। अब देखेंगे सिखों का कट्टर धारण, अब देखेंगे यहाँ पर 19 के ग में, ठीक है, एग्जाम में पूछता है इसीलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 19 के 1 ग में संघ और संगम बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि उदाहरण के तौर पर आपको बताया जा रहा है कि सैन्य संगठन और पुलिस बल संघ नहीं बना सकते, ठीक है। और ग में पूछा गया है बिना बाधा के घूमने या फिरने की स्वतंत्रता। 19 ए के ड में व्यापार आजीविका कमाने की स्वतंत्रता। उसी प्रकार 19 वन के चम संपत्ति अर्जन की स्वतंत्रता, और स्थायी रूप से जो संपत्ति है उसको हटा दिया गया है ना, संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया है। ये उदाहरण में आपको बताया गया जम्मू कश्मीर, स्थायी रूप से निवास करने की स्वतंत्रता है। और ये एग्जाम में आया हुआ है, ये आपके व्यापम एग्जाम में आया हुआ है, अनुच्छेद 20 यानी कि अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त करने का जो अधिकार है, ठीक है। और किसी व्यक्ति को 20 एक में कहा है किसी व्यक्ति को तब तक अपराध के दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक लागू कानून का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, ठीक है। और अनुच्छेद 20 के दूसरा भाग में कहता है कि किसी व्यक्ति के लिए एक अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है, ना कि दूसरे अपराध के लिए। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको एक गलती की सजा सिर्फ एक ही बार मिलेगा, ना कि दो बार उसको मिलने वाला है, ठीक है। उसी प्रकार 20 के 3 में किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 20 और 21 में आपातकाल से निलंबित भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। और ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि आपके अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपके व्यापम में आया हुआ है, ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किससे लिया गया है, तो आर्टिकल नंबर 21। और आर्टिकल नंबर 21 के क के 46वां संविधान संशोधन दर्जों से 6 या 14 से 14 साल यानी कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान किया जाएगा। कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 21 के क में 86वां संविधान संशोधन के अनुसार 2 में, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षा का जो अधिकार है, कौन सा अधिकार है, शिक्षा का, शिक्षा का जो अधिकार है अधिनियम 2009 में 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो शिक्षा का अधिकार है संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया था, तो आप बताएंगे 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया था। जबकि अनुच्छेद 22 में कहता है कुछ दशाओं में, यानी कि कोई भी दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त करने का जो अधिकार है उससे निवारक निरोध विधि भी शामिल है। उसी प्रकार अनुच्छेद 22 वन में कहता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसके कारण बताने से होंगे, ठीक है, ना कि बिना कारण का। ये टॉपिक छोड़ दीजिएगा, ये वाला ये भी छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है आपका अनुच्छेद 23 से 24 में लिया गया है। तो अनुच्छेद 23 में कहता है कि मानव का अवैध व्यापार, दास प्रथा तथा बेगार प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है, जबकि उदाहरण के तौर पर राज्य किसी सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य श्रम लागू कर सकता है। और ये आपका अनुच्छेद 24 आपके एग्जाम में पूछा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को उद्योग धंधा काम पर नहीं लगाया जा सकता है, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को कोई भी मिल फैक्ट्री वगैरह में काम नहीं दिया जाता, क्योंकि उसको बाल श्रम के रूप में माना जाता है, बाल श्रम प्रतिबंधित किया गया है। जबकि वर्तमान में आयु के बालकों को घरेलू कार्य भी नहीं लगाया जा सकता वर्तमान में, ठीक है। अब देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आपका अनुच्छेद 25 से 28 में लिया गया है। कौन से, 25 से 28। जबकि 25 में अंतःकरण के आधार पर धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, अंतःकरण के आधार पर, किसके आधार पर, अंतःकरण, ठीक है, याद रखिएगा, जो अंतःकरण है उसी के आधार पर धर्म को मानने की स्वतंत्रता है।
अब बात करें अनुच्छेद 26 यानी कि माने गए धर्म के प्रबंधन करने की स्वतंत्रता यानी कि प्रबंध चल और अचल संपत्ति का। उसी प्रकार 27वां जो है आपका किसी धर्म की अभिवृद्धि धार्मिक आधार पर कोई नहीं लगाएगा, ठीक है। अब बात करें ये भी आपके एग्जाम में आता है कि वित्त पोषित विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, बस इतना ही पूछा गया था, बस यहीं तक। अब देखेंगे शिक्षा और संस्कृति का अधिकार जो आपका अनुच्छेद 29 से 30 में लिया गया है, ठीक है, ये भी छोड़ दीजिएगा, बस इस दोनों को ही याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछता है, इसको तो रट लीजिएगा। हाँ, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आपका अनुच्छेद 32 में लिया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, तो ये जो टॉपिक है अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी टॉपिक बताऊंगा कॉपी में फटाक से नोट कर लीजिएगा, साथ में कॉपी रख ले। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आपका अनुच्छेद 32 से लिया गया है, जबकि डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। किसे संविधान की आत्मा कहा गया है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो क्या बोलेंगे, किसे संविधान की आत्मा कहा गया है, तो आप बताएंगे डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा किसे कहा गया, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का आत्मा कहा गया है। ये आपके 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि इसमें देखिए जो संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो एग्जामल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये बिल्कुल सही है, आप ऑप्शन में ऐसे ही लगाएंगे। और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के रिट जारी करता है, ठीक है, मौलिक अधिकार की जो रक्षा करने के लिए 5 प्रकार के रिट जारी करता है ताकि मौलिक अधिकार को उचित संरक्षण प्रदान किया जा सके, तो इसको नोट करते जाइएगा, इसको बिल्कुल मैं डिटेल बताने वाला हूँ, ये डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, सेकंड है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण, पांचवा अधिकार परीक्षा, जबकि छठवां है इन रिटों को न्याय का झरना कहा जाता है। रिटों को न्याय का झरना किससे कहा गया, एग्जाम में पूछा गया है ना पीएससी के एग्जाम में, रिटों को न्याय का झरना किससे कहा गया, तो आप बताएंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा गया, बिल्कुल ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आने वाला ही है, 70% गारंटी देता हूँ, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, जो उचित संरक्षण प्रदान किया गया 5 प्रकार से रिट जारी किया गया है, कौन कौन सा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, सेकंड है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण, पांचवा अधिकार परीक्षा, छठवां इन रिटों को न्याय का झरना कहा जाता है। रिटों को किसको न्याय का झरना कहा जाता है, तो आप बताएंगे संवैधानिक उपचारों को, ठीक है। सबसे पहले पार्ट 1 का देखते हैं, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है कि नागरिकों का अधिकार को सर्वोत्तम रिट है यानी कि सबसे महत्वपूर्ण रिट है, जो बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के न्यायालय में बंदी बनाए कारणों की समीक्षा करता है, जबकि परमादेश कहता है कि किसी सार्वजनिक पदाधिकारी द्वारा गलत आदेश दिया जाता है तो इसके कारणों की समीक्षा न्यायालय करता है। साथ ही प्रतिषेध का मतलब होता है कि मना करना, प्रतिषेध यानी कि मना करना, रोकना। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अधीनस्थ न्यायालय को सीमा से बाहर जाकर कार्य करने को मना करता है, जबकि आपका उत्प्रेषण कहता है कि अधिक सुनिश्चित करता है और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अधीनस्थ कार्य का असूचना भागता है, यानी कि इसके लिए उत्प्रेषण के लिए बताया गया, जबकि अधिकार परीक्षा कहता है कि किसी अधिकार से किसी सार्वजनिक पदाधिकारी द्वारा जब कोई पद या वैध या अवैध तरीके से प्राप्त किया जाता है तो उसके कारणों को समीक्षा करता है, कौन करता है, अधिकार परीक्षा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एडीओ के अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो संपूर्ण जानकारी हमारे चैनल पर बताया गया है, 8:30 से 9:30 बजे, ठीक है। अगर आप एडीओ की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। साथ ही देखिए जो आपका 1 मार्च से यानी कि आज से ही आपके चैनल पर यानी कि हमारे चैनल पर बिल्कुल एडियो की क्लास फ्री है, ठीक है, कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब लाइक व शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तो सेकंड पार्ट आपका रहेगा नागरिकता से, नागरिकता कहाँ से, किस संविधान से लिया गया है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कल हम देखेंगे
कार्यपालिका न्यायपालिका से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछे जाएंगे। साथ ही आप सभी को कहना चाहूँगा जो एडीओ का पार्ट वन है आपका पंचायती राज व्यवस्था 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कल के क्लासेस स्टार्ट करेंगे पंचायती राज व्यवस्था।